दो इंक्लाइंड मिरर हैं थीटा एंगल पे, मिरर वन मिरर टू, और यहां कहीं ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जो बताया था एक बार फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस, वो रिपीट मैं कर रहा हूं कि टोटल इमेज मैंने मान लिया एन, टोटल इमेज मान लिया एन, ये रिपीटेड पॉइंट है आपके लिए। टोटल इमेज हो गए ये एन, तो ये एन कैसे पता चलेगा? तो उनके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, इफ 360 बाय थीटा इज इवन देन एन इक्वल्स टू 360 बाय थीटा माइनस वन। दूसरा था इफ 360 बाय थीटा इज ऑड, तो यहां दो पॉसिबिलिटी थी, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट एन इक्वल्स टू, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होने पर एन इक्वल्स टू 360 बाय थीटा माइनस वन, और अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होने पर, अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होने पर एन इक्वल्स टू 360 बाय थीटा। यहां कुछ बच्चों के मन में ये विचार आता है, जैसे फॉर्मूला तो सर मेरे समझ में आ गया कि थीटा यदि 90 डिग्री है तो 360 बाय 90 हो गया 4, और ये हो गया इवन, और नंबर ऑफ इमेज हो गया 4 माइनस 1 दैट इज 3। यदि थीटा है 60 डिग्री, 360 बाय 60 हो गया 6, इवन, और एन हो गया 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। लेकिन यदि थीटा 72 डिग्री हो तो 360 बाय 72 हो गया 5, तो अब ये हो गया ऑड, और ऑड होने पर हमने दो चीजें सोचनी है, यदि सिमेट्रिक हो, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिकली प्लेस्ड, देन एन हो जाएगा 5 माइनस 1, ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो इसके लिए एन हो गया सीधे 5। समस्या यहां तक नहीं है, समस्या आगे आ रही है कि ये यदि ऐसा हो कि थीटा यदि 70 डिग्री हो जाए, तो आपके मन में विचार आएगा कि सर मैं अप्रोक्सीमेशन के तो एक्सपर्ट हूं, जहां भी मन करता है वहां लगा देता हूं, तो फिर गए काम से, कभी वो सही भी देगा और कहीं गलत भी दे सकता है। तो ये नाइदर इवन नॉट ऑड, ये तो फ्रैक्शन हो गया, इसको इवन ऑड में तो बांट ही नहीं सकते, तो फॉर्मूला फेल्ड, आपको ये फॉर्मूला नहीं छूना है, ये फॉर्मूला बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? 360 बाय 70 वाले केस में तो हमारे पास तो फ्रैक्शन आ गया, ना तो ये इवन है ना ही ऑड है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, जैसे ये एग्जांपल देखिए, आपसे कहा गया कि ये है 70 डिग्री और इनके मिरर के बीच का एंगल ये 70 डिग्री एम वन एंड एम टू, और इनके बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है पहले वाले मिरर से 20 डिग्री के एंगल पे। ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे है? 20 डिग्री के एंगल पे है पहले वाले मिरर से। ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो पहले वाले मिरर से 20 डिग्री के एंगल पे, अब इमेज कहां बनेगा इस पे विचार करना है, कहां कहां बनेगा, तो इसके लिए फिर से ऐसे ही शुरू करिए, जैसे पोजीशन ऑफ
इमेज, जैसे प्लेन मिरर में करते हैं वैसे ही इनमें भी, प्लेन पैरेलल मिरर में करते हैं वैसे इसमें भी, दोनों बारी बारी से फिर एक बार देखते हैं। पोजिशन ऑफ इमेज बिहाइंड एम वन, बिहाइंड एम वन, और दूसरा कॉलम बनाइएगा बिहाइंड एम टू। देखिए पहले मिरर से कितने डिग्री आगे है ऑब्जेक्ट, 20 डिग्री, तो कितने डिग्री पीछे होगा, तो 20 डिग्री पहले मिरर से, और दूसरे मिरर से कितने डिग्री आगे है ऑब्जेक्ट, 50, तो इमेज कितने डिस्टेंस पे होगा। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हैं, अरे यार परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना पीछे मिरर के इमेज, वहां वो ट्रायंगल एक बनेगा कॉन्ग्रुएंट आगे पीछे वाले, तो वो पता चल जाएगा कि एंगल भी सेम होंगे। तो मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट का एंगल है, मिरर के ज्वाइनिंग वाले पॉइंट से आप यदि देख रहे हो लाइन ऑब्जेक्ट का ज्वाइन करके, उतना ही पीछे इमेज बनेगा, तो ये 50 डिग्री पीछे। और अब बीच वाला एंगल ऐड करते, चलो 70 डिग्री ऐड किया दोनों मिरर के बीच वाला, तो अगला इमेज जो बनने वाला है 120 डिग्री और ये 90 डिग्री, फिर 70 ऐड करने की सोच रहा हूं, सर आप तो इन्फिनिट की तरफ जा रहे हो, अरे रुक तो जाओ, ये हो गया 160 और दूसरी तरफ हो गया 190। अच्छा बिहाइंड मिरर 190 डिग्री क्या पॉसिबल है एंगल, यदि हम मिरर के पीछे 190 डिग्री जाएंगे तो वो तो आगे चले आएंगे, तो ये इम्पॉसिबल, इसको भगा दो। 190 डिग्री मतलब आप पीछे अब नहीं रहे, अब आगे चले आए, तो ये इमेज नहीं काउंट होगा, ये यहां नहीं इमेज बनेगा। अब वो अभी भी 160 तक तो ठीक ठाक है, उसमें यदि हम 70 जोड़ने की सोच रहे हैं तो फिर से ये कहानी बन, तो अब इमेज हमें कितने दिख रहे हैं, 5 बिहाइंड M2 50 डिग्री 90 डिग्री पे और बिहाइंड M1 120 160 पे। अब ध्यान से सुनो, जो पहला मिरर है उस M1 से पीछे कहां तक गए, M1 से पीछे इमेज को ढूंढने जाओगे M1 के पीछे 160 डिग्री, यहां कहीं ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था लास्ट वाला, और उधर से आओगे तो कहां तक आओगे 90, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 70, तो कॉन्साइड करने का सबसे ज्यादा चांस होता है लास्ट वाले इमेज का, जो पहले की तरफ से लास्ट, दूसरे की तरफ से लास्ट, और मिरर का एंगल ऐड कर दो, चेक करो क्या होता है, 90 प्लस 160 प्लस 70, यदि ये 360 डिग्री हो जाए, If, मतलब ये सारे जुड़ के 360, then two images coincides, तो total image क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, और ये हो जाएगा n हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 plus 3 minus 1, 2 plus 3 हो गए, एक कम हो जाएगा, और यदि otherwise यदि ये बराबर ना हो, then n हो जाएगा total number of images 2 plus 3, 2 M1 के पीछे, 3 M1 के पीछे और 2 M2 के पीछे, तो देखो कितना आ रहा है, ये 90 और 160 हो गया 250 और 70 320, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू वाले में जा रहा है, तो ये यदि कॉन्साइड नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर ये, तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन में मत चलिएगा, आप ये काम करिए 360 बाई थीटा यदि फ्रैक्शन आ जाए तो आपको इस रास्ते को फॉलो करना, और ये 10th के बच्चों को ज्यादा नहीं पता रहता है, फॉर्मूला 10th वाले भी याद कर लेते हैं, लेकिन यदि ऐसा आ जाएगा जहां पर इवन या ऑड नहीं है तो वहां बच्चे गलत करते हैं, तो आपको ये रास्ता चुनना है फिर। हाँ दोबारा से देखते हैं, आप इस पेज को मैं चेंज कर देता हूं, यहां देखिए यहां पर है ये और दूसरा है ये 80 डिग्री, क्या 80 से 360 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, ना नहीं होगा। अब यहाँ बीच में यहाँ एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो कि कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, ये मिरर वन ये मिरर टू, और आपसे कहा गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस टू मिरर, नोट कर लीजिए सब अपने कॉपी पे,
एक दो एग्जांपल देखेंगे तो फाइनली ये समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय द टू मिरर शोन, बाय द टू मिरर शोन। अब यदि मैं इसे सॉल्व करने की सोचता हूं तो सॉल्व करने के लिए कहां से, हमने कहा आपको कहानी शुरू करने के लिए पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेजेस एक कॉलम बनाएंगे बिहाइंड M1 और दूसरा कॉलम बनाएंगे बिहाइंड M2। चलो लक्षिता M1 के पीछे बताओ पहला इमेज कहाँ बनाओ, कितने एंगल पे, M1 से कितना आगे है, तो 30 आगे है, तो M1 से पीछे जो इमेज बनेगा वो कितना होगा 30। क्यों, क्योंकि ये देखो ना ये ऐसे तो सिमेट्रिक करोगे, ये बराबर, ये कॉमन, ये 90 90, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो अब ये 30 डिग्री पे। और चलो M2 के पीछे बताओ 50, क्योंकि 80 में से आपने 30 हटाया, दूसरे मिरर से 50 आगे 50 पीछे। अब चलो M1 के पीछे 18 plus 31, एक काम करें ना, अब 80 बीच वाला एंगल ऐड करते चलो, अब अकल मतलब, अब बस गेम शुरू करो। और बिहाइंड मिरर कितना तक एंगल हो सकता है ये बताओ, बिहाइंड मिरर कितने एंगल तक जा सकते हैं आप, 180 से ज्यादा जहां हुआ वहां छोड़ देंगे, 180 तक पहुंचेंगे, तो अब 80 ऐड करते हैं, तो 80 और 5 8 5 13 130, पहला तो ये 130 वाला बना, उधर 110। अच्छा चलो तो अब इसमें ऐड करने की सोचो तो ये भी बंद और ये भी बंद, तो अब हमें दिख रहे हैं चार इमेज, दो M1 के पीछे और दो M2 के पीछे, लेकिन एक अभी भी एक टेंशन है कि कहीं पीछे वाला दो कंसाइड ना कर जाए, तो कैसे चेक करें, तो पहले वाले, पहले तो ये मिरर देखिए, यहाँ कितना 80 डिग्री एंगल है मिरर के बीच और पहले के पीछे कितने डिग्री तक आए 130, और दूसरे के पीछे कितने डिग्री तक गए 110। चेक कर लो कि ये क्या हो रहे हैं, कॉन्साइड हो रहे हैं या नहीं, यदि कॉन्साइड होते तो क्या हो जाता 110 प्लस 80 प्लस 130 ये 360 हो जाता, तो टोटल इमेज में से एक कम कर देते, और अभी कितना रहा है 320 नॉट इक्वल टू 360, hence last two images do not coincide, तो हमारे टोटल इमेज कितने हो गए, टोटल इमेज हो गए 4, 2 प्लस 2, दो बिहाइंड M1, दो बिहाइंड M2, तो एट मतलब ओके है ना, कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं। और ये जो सारे इमेज बनते हैं ना वो एक सर्किल पे होते हैं, आप देखेंगे जब, तो वो सारे इमेज बनेंगे एक सर्किल पे, जिनका इससे डिस्टेंस जो होगा ना वो एक जैसा होगा, वो जहां दोनों मिरर ज्वाइन कर रहे हैं उस पॉइंट डिस्टेंस एक जैसा होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता बिहाइंड मिरर, तो 180 जब पहुंचे या उससे ज्यादा हो जाए, पहुंचे वाला तो मान लो ले भी ले कि मिरर पे ही बन गया इमेज, लेकिन यदि 180 से ज्यादा होगा तो 181 भी होगा, तो वो मिरर के बिहाइंड के कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे हमें छोड़ देना है। ठीक, ये जैसे अभी आपने बनाए वैसे ही एक एग्जांपल इन्हें भी देख लो ना, कि यदि कभी दो पैरेलल मिरर है ना, एक बार फिर से, यदि सामने यहां मैंने 5 सेंटीमीटर पे रख दिया है एक ऑब्जेक्ट, ये M1 और ये M2, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अब आपको इमेजेस जो बनेंगे उनके पोजीशंस के बारे में बात करनी है, और पोजीशन कहां, मिरर से, या तो M1 से नहीं तो M2 से, तो हम इसके लिए भी जो रास्ता चुनते हैं वो देखिए, इसमें भी आपसे कहा गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस या फाइंड पोजीशंस ऑफ, पोजीशंस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय M1 एंड M2। अब ये यदि हम सोचना शुरू करें तो क्या लिखना शुरू करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज
बिहाइंड M1 एक और दूसरा आइडिया बिहाइंड M2। तो पहले देखिए M1 से सामने में कितनी दूरी पे है, 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया सामने, तो पीछे भी 5 पे बना, और दूसरे मिरर से कितने पे, 20, तो 20 पे पीछे भी बनेगा, और अब इनमें क्या ऐड करते जाना है, 25, जो दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है, ये जो डी है इसे ऐड करते जाओ, 25 सेंटीमीटर, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, पीछे तो कितने भी दूर जा सकते हो, एंगल का तो लफड़ा होता है कि यार मिरर के पीछे 180 डिग्री से ज्यादा नहीं, यहां चेक करो, तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर, अगला 30 सेंटीमीटर, फिर से ऐड कर दो, डी 25, 55, 70 सेंटीमीटर, करते जाओ यार, कितना करेंगे, इनफाइनाइट तक जाने वाला है। ये एक टेक्निक, तरीका जो कभी भी यूज करें हम लोग पहुंच जाएंगे।